नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री को यहां पर ज्ञापन दिया गया है। बीकानेर से ये खबर निकल कर आ रही है। देश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों, विभागों, उपक्रमों द्वारा कानून कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुज राम मेघवाल को ज्ञापन भेजा गया है। ईपीएफओ के विभिन्न नियमों के द्वारा जानबूझकर व पेंशन बढ़ोतरी में रुकावट डाली जा रही है, जिसका कर्मचारियों में रोष है। अभी औद्योगिक विभागीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 रुपये से 2500 रुपये तक न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो कि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञापन में न्यूनतम 7500 व डीए व चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है। ज्ञापन भेजने वालों में जगत पाल धतरवाल, नवाब खां, तेजपाल, कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलाकी नाई, किशन तंवर, भवरा राम, गिरधारी लाल आदि यहां पर शामिल हुए थे।